मैं अभी नुआव गांव में हूं, जहां पे एक चिमनी है और हमने यहां पर देखा कि दो मजदूर काम कर रहे हैं। सरकार के तरफ लॉकडाउन का आदेश है कि कोई भी आदमी घर से नहीं निकले, काम भी नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है कि जो लोग लॉकडाउन में घर पे हैं उनको राशन मिल रहा है, उनको सरकार अनुदान दे रही है, उसको गैस उज्ज्वला गैस के तहत कनेक्शन दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे वो मुखिया की बात कर ले या सरकार के तरफ से बात कर ले। अभी दिन के ठीक 12 बजे हैं, सूर्य अपनी सिद्धांत पर है, ठीक सामने धूप है और तीखी धूप है। इतनी धूप में भी व्यक्ति है जो काम कर रहा है, ये चिमनी है जहाँ पे दो मजदूर काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकार जो है लॉकडाउन लगाई हुई है। हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि चिमनी के पास दो लोग काम कर रहे हैं और हमने इनसे बात करना शुरू किया। इनका साफ कहना है कि चाहे कोई समाजसेवी हो, मुखिया हो या सरकार के तरफ से हमारे यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं पहुँच रहा है, यही कारण है कि हम मजबूर हैं काम करने के लिए। हम बात कर रहे हैं ददन गोंड की, जो फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके दो बेटे हैं और दोनों जयपुर में फंसे हुए हैं। सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस किया, उसके बाद आने का कोई तैयारी नहीं था, इसलिए वहाँ पर हैं। चूँकि वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं तो घर पर पैसा कैसे भेजेंगे, और बूढ़ा बाप घर में बैठा बैठा सोचता कि मैं कैसे पेट का भूख मिटाऊंगा। लॉकडाउन तो देश में है लेकिन पेट पर लॉकडाउन कैसे लगाऊंगा। इसी मजबूरी में वह यहां पर पहुंचे और ईंट भट्टी के जो मालिक है उनसे उन्हें आग्रह किया कि मुझे काम दिया जाए, और दो दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। हमने बात की ददन गोड से और इनका साफ कहना है कि साहब, अगर हम भूखे रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोरोना तो हमें बाद में मारेगा। रूरा का अनाज कहीं से मिला? नहीं, कहीं लेना कहीं से अनाज ना मिला, कहीं लेना मिला सर, एक फ्री वाला नहीं मिला है। फ्री में कुछ ना मिला, कुछ नहीं। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बस, सरकार कहती है कि हर जगह फ्री फ्री पहुँचा हो जाता, फ्री मिला था। गैस भरे नहीं है रूरा? नहीं, कहाँ है? नखे आयल हमने के हैं, अभी रूरा के यहाँ नखे ना, वहीं भरे नहीं नखे वहीं। अच्छा, और कौन बच्चा पढ़ जाए? दो जना। कहाँ पढ़ जा? वो ये नहीं कहती, सूरत तो जयपुर में बुला। जयपुर में? हाँ। क्या काम कर लन जा? ये कली वली में, कली नोली में साड़ी वड़ी के पैसा वैसा भेज जाए? वही नहीं खे, स्कूल ब्लॉक का है, बंद है। हाँ। हाँ। तो कैसे घर खर्चा वर्चा? यही तरह काम चला था सर। तो अभी तो सरकार आदेश दे रही है कि घर में बैठे के काम नहीं करे के। तो ना करिए सर। आए? ना करिए, का करिए यही तरह। तो ना करो तो कैसे काम चले भोजन जन के? अब कितना दिन बैठल जी सर, बा तीन बात नहीं, कैसे काम चले? नून तेल महंगाई कुल चीज की परेशानी है। कोनो सामाजिक आदमी देने से मदद मिला रहा के? नहीं, कोनो सामाजिक आदमी हर जगह बांटत अड़न नहीं, कुछ मिला लगा? नहीं, कहीं ना मिला, कहीं कुछ ना मिला, कहीं ना मिला। मिले तो परिवार कहबो करी। हाँ, हाँ। परिवार ले आई तो हम जानबो कर की, तो कहीं नहीं मिला है। लास्ट में सोचने काम करके अपन काम चला। हाँ, हाँ। तब मैंने अभी कैसे काम चला था जब पैसा भी नहीं थे घर में? यही तरह माल के ले दे के काम करता, शनिचर के हफ्ता ले ना जाता, पैसा मिल जाला। तो काम करे के कहला मालिक कन है यार, खुद से कन है हमें काम मिल दे? हाँ, के कहला? अरे यही तरह अपना मन लेकर रहल बन गया, खुद से करो। हाँ। और करना पड़ी भैया? धर्मेंद्र हो? धर्मेंद्र रोरा कब से काम करते नहीं जा? हम तो काल से काम करते नहीं, काल से काम करते नहीं, पहले बंद रहे। बंद रहला तो अभी बंदे चलता ना? अभी तो हाँ बंद रहला, ऐसे काम कोई दिक्कत होता ना? तो घर में पैसा वैसे नहीं? अब ना पैसा नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी है। अच्छा, सरकार तरफ से कोई मदद मिला था क्या? सरकार तरफ से मदद कहाँ मिल रहा अभी, कुछ तो नहीं मिल रहा। घर खर्चा पानी सब्जी साग ये सब कैसे? सब्जी अभी यही जुगे पैसा जाएगा तो न खी रहेगा खर्चा। आज जल्दी बंद रहता ले तब ले बंद रहेगा तब ले उसी तरह से नमक भात खा रहे थे। जो लोग घरों में बैठे हैं वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लोग घरों से ना निकले, घर में कैद रहे। ये वो लोग हैं जिनके घर राशन है, ये वो लोग हैं जिनके घर एसी है, लेकिन उन गरीबों का क्या, जिनके घर में न राशन है, न दूध है, न गैस है, वो कैसे जिएंगे? एक तरह से देखा जाए तो कोरोना ने फ़र्क पैदा कर दिया है अमीरों और गरीबों में। अमीर कुछ और अपील करते हैं, गरीब कुछ और अपील करते हैं।